लेके खत्म कर देगा। भूल वाले कुछ छोड़ दिया उड़न से यूजिंग जो हुआ था ना, मारना है मैं तो भाई, मार चलो भाई। सी मैं, मुझे लगता है कि मैं यूनिसेफ से बहुत सालों से जुड़ी हूँ। जब मैं बॉम्बे में आई थी, इट्स लाइक 2001 से आई एम विद यूनिसेफ। इसके पहले भी जब आई वॉज इन लखनऊ, आई वॉज नॉट इन एक्टिंग, उस टाइम में भी आई वॉज विद यूनिसेफ। तो उस टाइम पे मैं उनके लिए प्लेस करी थी, बट नाउ आई सपोर्ट विद द मनी बिकॉज आई कैन गिव ओनली दिस। आई डोंट हैव टाइम मच कि मैं जाकर कुछ कर पाऊँ उनके लिए। एंड अब आज पहली बार मुझे इस चीज़ के लिए बुलाया गया है बेटी फाउंडेशन के इतने अच्छे कॉज के लिए। एंड रियली आई वॉन्टेड कि मैं कुछ बच्चों के लिए या औरतों के लिए कुछ कर पाऊँ, और आज मैं कुछ कर रही हूँ, एक छोटा सा काम। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि एटलीस्ट माई वन स्टेप आई एम डूइंग समथिंग फॉर माई चिल्ड्रंस एंड वुमेंस। तो हाँ, मैं रैंप वॉक ही करने वाली हूँ, दिस इज गोना बी माय फर्स्ट रैंप वॉक। तो मैं थोड़ी एक्साइटेड भी हूँ, नर्वस भी हूँ और खुश भी हूँ। तो दिस इज माय फर्स्ट रैंप वॉक। थैंक यू। आई थिंक एकदम करेक्ट क्लॉज है, बिकॉज अगर आप एज अ आर्टिस्ट इस क्लॉज को सपोर्ट नहीं करते तो आप इनिशियली ही फिल्म मना कर सकते हैं। बट एक बार फिल्म के लिए हाँ कहकर, स्टोरी सुनकर, यू नो, कई आर्टिस्ट की आदत होती है कि बाद में फिर वो चूचा करते हैं। तो आई थिंक मुझे भी एज अ डायरेक्टर वो कम्फर्टेबल नहीं लगता कि आप अपने वर्ड्स पे, यू गो बैक ऑन योर वर्ड्स, कि पहले आप बोल दो कि हाँ मैं किसिंग सीन या ऐसा सीन करने को रेडी हूँ, और बाद में आप लोगों की प्लीज़ ये हटा दो। सो आई थिंक दैट्स नॉट प्रोफेशनलिज्म। आज तो आई कम टू वॉच एंड चीयर देम एंड सपोर्ट इट, क्योंकि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। होपफुली सून आई विल जॉइन। वुमेन एम्पावरमेंट में बहुत बिलीव करती हूँ, एंड आई एम रियली ग्लैड कि इंडिया में ऐसे लोग हैं हु आर स्टार्टिंग मूवमेंट्स जो वुमेन एम्पावरमेंट को और बढ़ावा दें। इट्स वेरी नाइस थिंग, अगर सब हाथ जोड़ के करें तो इट्स अ पॉसिबिलिटी। आई थिंक एक तो रिदन का नाम ही जो है बेटी, दैट कॉजेज अ लॉट ऑफ अवेयरनेस अबाउट कि कुछ हो रहा है अबाउट द गर्ल चाइल्ड, अबाउट द वुमेन, दैट इज़ गुड इनाफ। और फिर इतने सारे लोग हैं, सेलिब्रिटीज़, नॉर्मल पीपल, फैशन शो है, और जो मैसेज है, मोटो है, उसको एंटरटेनमेंट के थ्रू दे आर गिविंग इट आउट टू पीपल। सो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी नाइस थिंग, अ ग्रेट इनिशिएटिव बाय ग्रेट। एंड एज आई सेड दैट इट्स द नीड ऑफ द आवर, विमेन एम्पावरमेंट एंड सेविंग द गर्ल चाइल्ड, बिकॉज बेटी इज़ द फ्यूचर, बेटी ही भविष्य है। एंड हमारे शास्त्रों में भी यही कहा गया है कि यत्र नारियस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, विच मीन्स दैट वेर एवर वुमेन आर वर्शिप्ड, गॉड रिसाइड्स देयर। बट जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं, वर्शिप तो कहीं नहीं हो रही है, एंड वट एवर इज हैपनिंग इज वेरी बैड। तो ऐसे में जो इवेंट है ये लोगों को जागरूक करने में बहुत हेल्प करेगा, एंड आई थिंक इट्स रियली ग्रेट एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इट। यार, अनुरंजन और शशि रंजन को बेटी का कॉज करते हुए अभी बहुत साल हो गए, एंड मैं ऑलमोस्ट एवरी ईयर आई वॉक द रैंप फॉर देम। बहुत ही थॉटफुल कॉज है, क्योंकि एज एन अटैक वुमेन के लिए ऐसा कॉज करना आई थिंक इज़ वेरी थॉटफुल, एंड आई एम वेरी प्राउड कि मैं बहुत सालों से ये रैंप चल रही हूँ और इन लोगों के चल रही हूँ। एंड आई रियली होप कि ये बेटी और बड़ा बने और बहुत सारे लोग जुड़े और इस कॉज को और प्रमोट करें। किस तरीके से मैं सपोर्ट कर रही हूँ, जब एक्चुअली बेटी का पूरा कैंपेन फिर से इस साल जब शुरू हुआ था, तो मैंने पर्सनली एक फ़ोटोशूट किया था अवेयरनेस के लिए। तो सबसे ज़्यादा ये होता है कि जब कोई टॉपिक होता है उसकी अवेयरनेस पब्लिसाइज करना और लोगों को बताना बहुत ज़रूरी होता है। और मैं मानती हूँ जो लोग मीडिया में काम करते हैं वो हमेशा इंटरव्यूज़ देते हैं, उनके ट्विटर या फेसबुक या फिर हम लोग जब इंटरव्यूज़ न्यूज़पेपर्स में भी देते हैं, बहुत लोग देखते हैं और पढ़ते भी हैं। तो अगर आपके पास वो आवाज़ है तो वो आप अच्छे से इस्तेमाल करो, क्योंकि कोई लोग ज़्यादा मैं मानती हूँ, कोई लोग सिर्फ बात करते हैं, जब एक्शन होता है तो वो एक्शन नहीं लेते हैं। तो जब ये अवेयरनेस होता, मेरे काफ़ी दूसरे भी फ्रेंड्स हैं जो इंडस्ट्री में हैं, उन्होंने भी ये अवेयरनेस अपने ट्विटर पे, फेसबुक पे, मीडिया पे भी उन्होंने भी ये यू नो दे मेड दिस अवेयरनेस इन द मीडिया। वुमेन एम्पावरमेंट फॉर मी इज समथिंग, व्हाट इज वुमेन, यू नो, हैविंग फ्रीडम, नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट इट बट उसके बारे में आप कुछ करो भी। एज द सेम थिंग जैसे मैं आपको पहले भी बोल रही थी कि कोई लोग यू नो टॉक शोज पर बैठते हैं और बोलते हैं वुमेन के लिए पावर नहीं है, वुमेन के लिए ये करना चाहिए, वुमेन के लिए खड़ा होना चाहिए, लेकिन जब वो कुछ करना चाहते हैं, अपनी चॉइसेस वो खुद लेने चाहते हैं, तो उसके लिए फिर वो यू नो नेगेटिव हो जाते हैं और बोलते हैं कि नहीं, ये हमारे कल्चर के अगेंस्ट है। जब हम 21st सेंचुरी में रहते हैं, 21st सेंचुरी में जब हम रहते हैं, यहाँ सब कुछ जो बुक का जो रूल होता है उसके हिसाब से नहीं चल रहा है, हमें भी पता है। इस दुनिया में इतना हम आगे बढ़ चुके हैं ज़िंदगी में, तो
जब हम दूसरे यू नो कंट्रीज को भी देखते हैं जो हृदय है और वो इतना आगे हैं और इंडिया में जब हम आगे बढ़ना चाहते हैं और आपको ये चांस दिया जाता है तो फिर आप ये करो ना, टेक द एक्शन ऑल्सो, सिर्फ उसके बारे में बात मत करो। और अगर कोई अच्छा कोई कुछ कर भी रहा है तो उसको डोंट शो इट इन नेगेटिव मैनर, सपोर्ट इट। बहुत ही अच्छे कॉजेज को लेकर के जुड़ा हुआ है जिसमें मैं तमन्ना एक कॉज है, जिसमें बेटी एक कॉज है, तो बहुत बहुत अच्छा लगता है जब हम शोज़ करते हैं जिसमें इतना डेप्थ और इतना मीनिंग है जैसे ऐसे कॉजेज हैं। और इनफैक्ट जो आज कलेक्शन भी आप दिखाने जा रहे हैं उसमें भी बहुत ही डेप्थ और मीनिंग है। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी एक मेक इन इंडिया कैंपेन लेकर के आए हैं, तो उस कैंपेन में वो काफ़ी डाइंग आर्ट्स को रिवाइव कर रहे हैं और उसके लिए उन्होंने कुछ डिज़ाइनर्स को सिलेक्ट किया है वो डाइंग आर्ट्स को रिवाइव करने के लिए। तो हम उन फॉर्चुनेट डिज़ाइनर्स में से हैं जिन्हें सिलेक्ट किया गया है और आज जो हम कलेक्शन दिखाने जा रहे हैं वो उसी एक डाइंग आर्ट से इंस्पायर्ड है जो है आर्ट ऑफ मेकिंग घुंगरूज। तो आज के कलेक्शन में हम उसी एक विलेज है जिसका नाम है होपारी जिसमें घुंगरूज बनते थे और हमारे यहाँ की सब रॉयल फैमिलीज़ ये घुंगरूज पहनती थी, अडोन करती थी, लेकिन अब घुंगरूज का फैशन नहीं रह गया जिससे ऐसा मॉडर्नाइजेशन आ रही है। तो हमने इन घुंगरूज को अब पहले एक पायल में ही यूज़ होते थे तो हमने इन घुंगरूज को एम्ब्रॉयड्रीज में यूज़ किया है। और इस विलेज की जो और अच्छी चीज़ें थी जैसे बीट एंड गोल्ड एम्ब्रॉयड्री मिरर्स उन सबको भी हमने यूटिलाइज़ किया। तो इस पूरी कलेक्शन में सारी एम्ब्रॉयड्रीज हमारे डाइंग आर्ट से इंस्पायर्ड हैं और आई होप सब लोग इस कलेक्शन को इन्जॉय करें। बेसिकली बहुत अच्छा लगता है जब हम एक शो करते हैं जिसमें कुछ मीनिंग जुड़ा हो, जिसमें कुछ किसी को बेनिफिट मिले, तो आई थिंक ये एक बहुत परफेक्ट शो है जिसमें एक मीनिंग भी जुड़ा हुआ है और एक बेनिफिट भी मिलेगा लोगों को। तो बहुत अच्छा लग रहा है इस शो का हिस्सा बन के। वुमेन एम्पावरमेंट में मैं कम्प्लीटली बिलीव करती हूँ और मैं काफ़ी कुछ करती हूँ उनके वुमेन एम्पावरमेंट के कॉज के लिए। बेसिकली हम सब औरतें हैं और जब हम लाइफ में एक स्टेज पे पहुंच जाती हैं जहां हम सक्सेसफुल होते हैं तो हम आई थिंक वी शुड सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट, हमें सोसाइटी को वापस देना चाहिए, इसी हिसाब से तो सोसाइटीज़ इवॉल्व होंगी और ग्रो होंगी। सो आई कम्प्लीटली एंडोर्स दिस कॉज और मैं काफ़ी कुछ करती हूँ इसके लिए। ये तीसरा साल है लगातार जिसमें मैं वॉक भी कर रही हूँ और गा भी रही हूँ साथ साथ, ये मेरा सपोर्ट है, मेरी डेडिकेशन है फॉर दिस लवली कॉज विच इज़ कॉल्ड बेटी। मैं सब ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को पढ़ाओ और बेटी को अपना एक एक हीरे जैसा समझो, बहुत बहुत वैल्यूबल होती है एक बेटी। आई वुड से दैट वुमन इज द प्रेजेंट, शी वाज द पास्ट एंड शी इज द फ्यूचर, यही कहना चाहूँगी। और चार लाइनों में मैं एक और चीज़ बयां करना चाहूँगी, आई एम अ वुमन, आई एम अ गर्ल, दिस इज माई स्टोरी। एक्साइटमेंट भरा मेरा आज है, सर पे खुशियों का ताज है, जब चाहे चले मर्जी मेरी, दुनिया को मुझ पे नाज है। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल मोमेंट है बिकॉज अनु रंजन और शशि रंजन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सपोर्टिंग अ गर्ल गर्ल पीपल हु आर नॉट लाइक एसिड विक्टिम्स के लिए ये शो है एंड आई थिंक सो इट्स अ वेरी गुड कॉज एंड आई थिंक बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को साथ में आना चाहिए टू सपोर्ट दिस काइंड ऑफ अ कॉज और मैं ऐसे संस्था के साथ बट ऑलवेज कम टू सपोर्ट दिस काइंड ऑफ अ कॉज। मैं सारे सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ इस सपोर्ट को आएँ, इनको सपोर्ट करें और बहुत सारे इनको फंड्स रेज करें और जितने भी गर्ल्स सफ़र कर रही हैं स्मोटली रिमोटली रूरल एरियाज में वी ऑल शुड कम टुगेदर टू सपोर्ट द गर्ल्स चाइल्ड। थैंक यू सो मच। बेटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एसिड विक्टिम लड़कियां हैं या जो लड़कियां जिनको समाज की तरफ से प्रताड़ना मिलती है उनकी मदद करता है। तो आज का ये ख़ास प्रोग्राम उन लड़कियों को मदद करने, हमने पिछले साल चार लड़कियों को अडॉप्ट किया था, उनकी मेडिकल सर्विसेज के लिए हमने भी किया, अभी हम और लड़कियों को मदद की कोशिश करेंगे। सपोर्ट तो बहुत है, काफ़ी लोग आगे बढ़ के आए हैं, आज भी आपने देखा होगा बहुत सारे लोग आए हैं और हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ। मैं बस लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि हमारे समाज में, आज के समाज में भी नारी के प्रति एक अजीब सी भावना है, उसे छोटा समझा जाता है, उसे प्रताड़ित किया जाता है, तो इन सब चीज़ों से दूर रह के उसे बराबरी का हक मिलना चाहिए जैसा कि लड़कों को मिलता है। मैं तो कहता हूँ कि जितनी तारीफ़ की जाए अनु रंजन की उतनी कम है, क्योंकि बेटी, स्त्री, लड़की, बच्ची, वो
उसके सम्मान के लिए, उसकी अच्छाई के लिए इतना सुंदर, इतने प्रयास लगातार जो अनुरंजन करती हैं, उसके लिए मैं अनुरंजन को बहुत बधाई देता हूँ, ढेरों तारीफ करता हूँ अनुरंजन की। इट इज़ समथिंग दैट इज़ ट्रूली ट्रूली अनबिलीवेबल। बहुत सारे लोग बहुत सारे कॉजेज को फैशनेबल तरीके से करते हैं कि ठीक लगता है, लोगों को अच्छा लगता है, समाज को अच्छा लगेगा। अनुरंजन बेटी के इस कॉज को पूरे दिल से, पूरी भावना से, पूरी श्रद्धा से करती है, और इसी वजह से अनुरंजन के, शशिरंजन के जितने मित्र हैं वो सब कुछ छोड़कर भागकर यहाँ सपोर्ट करने के लिए आते हैं। मैं चूँकि विदेश में था तो इसलिए मैं आज यहाँ पर इसमें वॉक नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपनी प्रेजेंस से, अपने यहाँ मौजूद होने से इस कॉज को सपोर्ट करने के लिए। पहली बात तो ये कि वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो ऐसा शब्द है कि जिससे मुझे एक अलग तरह की आपत्ति है। हम मर्द होते कौन हैं वुमेन को एम्पावरमेंट देने वाले? मेरी नज़रों में, मेरी सोच में वुमेन जो है गुणों में, त्याग में, शक्ति में, यू नो हंड्रेड्स ऑफ क्वालिटीज़ में हम सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं, एम्पावर्ड हैं। हम तो सिर्फ वुमेन को सैल्यूट कर सकते हैं, ये मेरा पर्सनल मानना है। मैं जब कभी कहा जाता है वुमेन एम्पावरमेंट, मैन कांट रियली एम्पावर वुमेन बिकॉज वुमेन देमसेल्व्स आर सो पावरफुल विद द ट्रेमेंडस क्वालिटीज दैट दे हैव, क्वालिटीज ऑफ सैक्रिफाइस, क्वालिटीज ऑफ यू नो giving to their family, to their loved ones, to the society. So I come always to salute women, not to empower women, because I'm too weak to be empowering women. ये इंतहा खुशी की बात है। ये शशि कपूर साहब को, उनके परिवार को, सभी को ढेरों बधाई देना चाहूँगा कि दादा साहब फाल्के अवार्ड से जो उन्हें नवाजा गया है, उसके लिए उन सबको शुभकामनाएं, ढेरों बधाई। आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट एक ऐसे लेजेंड, एक ऐसे सदाबहार हीरो, एक ऐसे बहुत बढ़िया इंसान को ऐसा सम्मान दिया जा रहा है। थैंक यू, वेट कर लो प्लीज। बी विद बेटी ऑब्वियसली जो वुमेन वायलेंस है उसके अगेंस्ट काम करता है, और दे आर ट्राइंग टू स्टॉप द वुमेन वायलेंस फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड आई एम हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इट। जैसे मैं पहले भी आ चुकी हूँ ये इवेंट के लिए, और दिस टाइम व्हाट आई एम कमिंग हियर, क्योंकि अर्चना का जो है वो फैशन शो भी डिस्प्ले कर रही है, सो आई एम वॉकिंग फॉर अर्चना, एंड अगेन इट्स माय कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स बी विद बेटी एंड एनीथिंग लाइक इफ इवन एक बंदे का भी प्रेजेंस अगर मैटर करता है, तो अगर वो बंदा मैं हूँ तो मैं ज़रूर यू नो आई फील प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। एक्चुअली मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी वो चीज़ के बारे में, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट अगर देखा जाए, बोलने जाए तो बहुत सारी चीज़ें, और अगर दूसरी वे में देखा जाए तो कुछ भी नहीं। इट्स ऑल विद इन द माइंड, जो भी है हमें बेसिकली रिस्पेक्ट देना चाहिए वुमेन को, किसी भी तरह का टॉर्चर नहीं करना चाहिए, या फिजिकल हो या मेंटल हो या कुछ भी हो। सो दिस इज़ समथिंग दैट यू नो आर कंट्री शुड अंडरस्टैंड। आई डोंट नो वेदर वुमेन वायलेंस बाहर होता है कि नहीं, मैंने सुना नहीं है कभी, पर जितना सुना है आज तक हमारे देश के बारे में सुना है। मैं चाहती हूँ कि जितने भी मर्द हैं यार, हूएवर इज़ नॉट यू नो बी वेरी वायलेंट टुवर्ड्स देयर टुवर्ड्स वुमेन, नॉट देयर और समथिंग बट टुवर्ड्स वुमेन, सो दे नीड टू लिटिल एजुकेट देमसेल्फ अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट।
आप देख रहे हैं कि इस कॉज को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे लोग आए हैं और बहुत सारी इंस्पायरिंग वुमेन जैसे मैं एक अगर अपने आप प्रेजेंट कर रही हूँ तो बहुत अच्छा आई थिंक इट डिपेंड्स फॉर ईच एंड एवरी वुमेन इंडिविजुअली कि वो कौन से सोसाइटी से कौन से स्टाटा से कौन से एजुकेशनल बैकग्राउंड से और कौन से फैमिली बैकग्राउंड से आती है. हर किसी की एम्पावरमेंट हर किसी की लाइफ में अलग होती है. 21st के ऊपर की उम्र तक शादी ना करके अपने आप को इंडिपेंडेंट कर पाना बहुत बड़ी एम्पावरमेंट है. और हम जैसे लोग जो मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं हम लोगों को अपने पैरों पर खड़े रहने की जो एक आज़ादी मिली है वो हमारे लिए एम्पावरमेंट है. सो आई थिंक एवरी गर्ल इन एवरी सोसाइटी हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग ऑफ एम्पावरमेंट. आई थिंक हर किसी को अपने आप वो हक मिलना चाहिए एम्पावरमेंट का और हम लोग जितना कुछ कर सकते हैं ज़रूर करें. Last year on this similar platform was so well enough that she walked the ramp for us. Today I have amongst us here two other young girls who we have given a little bit of what we had and they've had a lot of other well wishes to get the acid victims hale and hearty. They're here with Dr. Ashok Gupta who's the head of Bombay Hospitals. I'd like to call them on stage for you to see where exactly all your money, gratitude and help is going. Doc, can I please have you on stage with the girls, please? Can the girls come up? Somebody, can you bring them up? Yeah. These are the girls. Look at the society. There's one phone call and they are full with money. They are looking forward to help these victims. India has got the privilege of having the highest number of acid attack in the world. It is not a privilege which I will feel proud of it, but it's something which we must as a society look into how we can stop selling the acid. For last almost 40 years, I've been working on these odd cases and I can share with you for designing a cloth is less complicated. So the entire collection that you are seeing today has, I have innovatively used these embroideries, these ghungroos in embroideries all the garments that we are going to see today are either going to be having ghungroos or mirrors or beaten gold. And I hope you all do enjoy seeing this show and seeing all the garments. I'd also like to say thank you to Akansha for her Main Tamanna. Okay, so a huge round of applause for Tamanna's team. They are the ones who got this whole show together. And now with your kind permission, we'll start with the flow of the show. The fashion show with 60 hottest, topmost women right here on stage. Within 1 minute can we have the lights, the sound and the music. And the first one to come on stage is